डायबिटीज को जहां पहले शहरी लोगों की बीमारी माना जाता था, वहीं अब गांव में भी लोग तेजी से इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। भारत में लगभग 11 करोड़ लोग डायबिटीज का शिकार हैं और दिन प्रतिदिन डायबिटीज के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। इस बीमारी की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इसे कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन इससे पूरी तरह निजात पाना मुश्किल है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि डायबिटीज के इलाज के लिए अधिकतर डॉक्टर आज भी वर्षों से चले आ रहे पुराने फॉर्मूले पर ही काम कर रहे हैं। ऐसे में लखनऊ के एक डॉक्टर अनुज महेश्वरी का डायबिटीज को ठीक करने का आधुनिक तरीका बड़ी उम्मीद की तरह है। डॉक्टर अनुज को हाईटेक तरीके से डायबिटीज का इलाज करने के लिए जाना जाता है। डॉक्टर अनुज जितने रोचक तरीके से डायबिटीज का इलाज करते हैं, उतनी ही रोचक इनके डॉक्टर बनने की कहानी भी है। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं डॉक्टर अनुज के बारे में और फिर उनके इलाज के तरीके के बारे में बात करेंगे। मेरी जर्नी बड़े सारे इमोशनल इंसिडेंट से भरी हुई है और मैंने अपने परिवार में मैं पहला व्यक्ति था जो कि डॉक्टर बना। मेरे से पहले 7 जनरेशन तक किसी ने डॉक्टर बनने के बारे में दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। जो हमारा परिवार था वो ज़्यादातर हम उसमें सब लोग बिजनेसमैन हुआ करते थे। माहेश्वरी में लोग ज़्यादातर बिजनेसमैन ही होते हैं। हमारे पिताजी नौकरी करने लगे थे, जो कि पढ़ लिख करके और उन्होंने नौकरी करना शुरू किया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपने रूटीन से, मतलब जो हमारी फैमिली का जो ट्रेंड था उससे थोड़ा सा अलग हो गए थे। तो हम लोगों की पढ़ाई लिखाई थोड़ा अच्छे तरीके से चलने लगी और हम लोग अलग तरीके से सारा पढ़ाई पे फोकस करते थे। तो इस सपने की शुरुआत जो हुई वो मेरी माँ के वजह से हुई। उन्होंने, जब मैं 8वीं क्लास में था और उस समय हमारे पिताजी इंश्योरेंस कंपनी के क्रॉप सेल में मैनेजर थे, तो उस समय बहुत कम लोगों के घर में फ़ोन होता था। हम कुछ खुशकिस्मत लोग थे जिससे हमारे घर में फ़ोन था। तो एक दिन हम अपनी मदर के साथ बैठे हुए थे, तो मेरी मदर ने कहा कि बेटा, मेरी इच्छा है कि जब तुम बड़े हो जाओ तो मैं फ़ोन उठाऊं तो दूसरी तरफ से आवाज़ आए कि डॉक्टर साहब घर पे हैं क्या। और ये जो जुमला था उस समय, मुझे उस समय तो बहुत ज़्यादा मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया, पर ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में इतना गहराई से बैठ गया कि फिर मैं इसी के चारों तरफ सोचना मैंने शुरू कर दिया। फिर मैंने एक अपने मित्र से बात की, मैंने कहा कैसे डॉक्टर बनते हैं। उसने मुझे पूरा प्रोसीजर बताया कि भाई देखो, एक CPMT का इम्तहान होता है, बड़ा मुश्किल इम्तहान होता है। पहले तुम्हें इंटर में बायोलॉजी लेनी पड़ेगी और अगर तुम CPMT में कामयाब नहीं हुए तो फिर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता। फिर तुम्हें या तो कहीं पर टीचर बनना पड़ेगा और कोई दूसरा इसके अलावा बहुत स्कोप नहीं रहता। उसने मुझे बड़ा डिस्करेज किया कि मैं इस आइडिया के बारे में ड्रॉप कर दूं। लेकिन जैसे जैसे वो मुझे डिस्करेज करता था और मुझे उसकी कठिनाइयां बताता था, वैसे वैसे मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ दृढ़ होती जाती थी कि मुझे करना तो यही है। और इस तरीके से फिर मैंने अपने जब फादर को बताया, वो भी बड़ा शॉक्ड हो गए। उन्होंने सोचा हुआ था कि शायद वो अपने मुझे अपने साथ इंश्योरेंस कंपनी में कहीं कोई जॉब दिलवा देंगे और काम चलता रहेगा। लेकिन जब उन्हें लगा तो उन्होंने वाकई उन्हें लगा कि ये पता नहीं ये कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मेरे बाबा जी को, दादाजी को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि अरे, ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं है, सब लोग रोते रोते आते हैं इसमें, कोई भी खुशी से पैसा नहीं देता, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रोफेशन। वो बात उनकी काफ़ी हद तक अपनी जगह सही भी थी, पर अपने दिमाग में तो एक सेवा करने का एक भाव था। और उस जिस समय मैंने MBBS में कदम रखा, उस समय सिर्फ एक ही इच्छा थी कि MBBS पूरा होने के बाद बस मैं एक जगह कहीं पर अपनी क्लिनिक डाल के और सिर्फ अपने पेशेंट देखूँगा और मरीजों की सेवा करूँगा। और ये सोचते थे कि जहाँ तक जितना अधिक से अधिक होगा लोगों की निशुल्क सेवा करेंगे। कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा रिसर्च में नाम होगा, एक दिन मैं प्रोफेसर होऊंगा मेडिसिन का, ये सब कभी मेरे एजेंडे में नहीं था। और बस सिर्फ पेशेंट को देखना, प्रैक्टिस करना, उनको सेटिस्फाई करना। मैंने इलाहाबाद से अपना MBBS किया, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद मैंने PG का एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया और बिना रिजल्ट का इंतजार किए हुए मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट में अपनी हाउस जॉब शुरू कर दी। और वो करीब मेरी साल भर तक चली। इतने बीच में मेरा रिजल्ट भी आया। उस रिजल्ट में मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मुझे कुछ पीछे की रैंक मिल रही थी जिसमें मुझे KGMC की MD मेडिसिन शायद मिलना संभव नहीं था। तो मैंने
कहा कि नहीं, जब तक मुझे KGMC की MD मेडिसिन नहीं मिलेगी तब तक मैं ये करता ही रहूँगा, मैं उसके लिए ही कोशिश करूँगा। तो मैंने अपना वहाँ पे जो मैं रेजिडेंसी कर रहा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, उन्हें उसको कंटिन्यू रखा। वहाँ की लाइब्रेरी का फ़ायदा मिलता था, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने का फ़ायदा मिलता था, और फिर एक दिन मुझे KGMC से MD करने के लिए बुलावा आ गया। अब जान लेते हैं डॉक्टर अनुज के इस हाईटेक इलाज के तरीके के बारे में जिससे वे डायबिटीज के मरीजों का इलाज करते हैं। डॉक्टर अनुज एक सेंसर के जरिए डायबिटीज मरीजों का इलाज करते हैं। सेंसर मरीजों के कंधे पर लगाया जाता है जो कि 14 दिन तक उनके कंधे पर लगा रहता है। 15वें दिन मरीज कंधे पर लगे सेंसर को डॉक्टर को वापस कर देते हैं। इस सेंसर की मदद से डॉक्टर को पूरे 14 दिन के दौरान मरीज के शुगर लेवल का पूरा डेटा मिल जाता है। डॉक्टर को पता चल जाता है कि मरीज का शुगर लेवल कब कब और कितना बढ़ा और घटा। इससे मरीज की शुगर लेवल को समझना आसान हो जाता है। डॉक्टर अनुज ने डायबिटीज होने के कारणों और उससे बचाव के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, जिस समय मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी उस समय पूरे देश भर में 2.25 करोड़ लोगों को डायबिटीज थी। आज 11 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। आप ये सोचिए, 20 साल में, मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी 2001-2002 में, 20 साल में ऑलमोस्ट 5 गुना डायबिटीज़ बढ़ गई। 2.25 करोड़, 11 करोड़, 5 गुना बढ़ गई, 5 गुना डायबिटीज़ बढ़ी। तो ये जो इतनी फास्ट प्रोग्रेस डायबिटीज़ की है, शायद किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। इट इज़ एब्सोल्युटली अनप्रडिक्टेबल। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि हमारी शारीरिक निष्क्रियता, जो इन 20 सालों 25 सालों में हमने मशीनीकरण के युग में अपने शरीर का काम लेना बहुत कम कर दिया। पहले हमारे घरों में लोग खुद हाथ से काम करते थे, जो महिलाएं होती थी वो घर का सारा काम स्वयं करती थी, कपड़े धोती थी, बर्तन भी साफ करती थी। आदमी लोग भी घर का आटा पिसा कर लाते थे, घर के सारे काम खुद करते थे। अब तो लोग पिसा पिसा आटा खाते हैं, पिसा के लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। आटा चक्कियाँ सारी बंद हो गई। अब लोग सब काम बैठे बैठे करते हैं। एयर कंडीशन तो बहुत रेयरली होते थे उस ज़माने में। आजकल तो आप किसी का थोड़ा सा भी स्टेटस बढ़ जाता है, 15,000-17,000 रुपये कमाने वाला भी एक AC लगा लेता है अपने घर में, कैसे ना कैसे पैसे जोड़ करके। तो अभी जो हमारा जो मतलब जो लग्जरी का जो लेवल बढ़ा है, उस लेवल की लग्जरी लेवल के बढ़ने की वजह से डायबिटीज़ बढ़ी बहुत तेज़ी से। इसका दूसरा कारण कि हमने अपने जीवन को 12 घंटे से 24 आवर्स कर लिया। पहले 8-9 घंटे का होता था कि सुबह इंसान 6-7 बजे उठता था और शाम को 5 बजे उसका दिन समाप्त हो जाता था। उसके बाद अंधेरा हो जाता था, लाइट ज़्यादा कहीं होती नहीं थी। अब लाइट हमारे पास 24 आवर्स उपलब्ध है। पहले होता था कि लाइट होती भी थी तो रात में 9 बजे तक दिया बत्ती जल के काम चल जाता था, उसके बाद सोना ही होता था। अब लोग पूरी रात जगते रहते हैं। गाँव में भी लाइट पहुँच गई, अब गाँव की दिनचर्या भी उसी तरीके की हो गई। अभी हाल में हम लोगों ने एक स्टडी करी जिसमें पाया गया कि डायबिटीज़ जितनी तेज़ी से शहरों में बढ़ रही है, अब उतनी ही तेज़ी से गाँव में भी बढ़ना शुरू हो गई। डॉक्टर अनुज को 100% शुगर कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। डॉक्टर अनुज महेश्वरी रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी इन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और जल्द ही इसी समिति के प्रेसिडेंट के पद के लिए भी आवेदन करेंगे। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।